वेलकम टू वी लर्न। वी लर्न में आपका स्वागत है। टुडे सब्जेक्ट अकाउंटेंसी सेकंड और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड। सेशन नंबर 11, कंपनी अकाउंट्स जनरल इंट्रोडक्शन। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ कंपनी, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, स्टेट्यूटरी बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड शेयर कैपिटल। एंड नाउ इंट्रोडक्शन। इन द प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड, कंपनी फॉर्म ए ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपाइज अ पाइवोटल प्लेस। मेजर पोर्शंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉमन कंज्यूमर आइटम्स लाइक सॉप्स, मैचेस, बिस्किट्स एक्सेट्रा टू मेजर इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक कोल, स्टील, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा इज कैरीड आउट बाई कंपनी। यू माइट कम अक्रॉस वेरियस कंपनीज लाइक टिस्को, सेल, हिंदुस्तान लीवर्स, ONGC, NTPC, BHEL, HMT एक्सेट्रा। परहैप्स यू वुड हैव बीन क्यूरियस टू नो हाउ अ कंपनी लाइक हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ ग्रॉसरी स्टोर्स लोकेटेड इन योर लोकेलिटी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और लीगल स्टेटस। मीनिंग ऑफ कंपनी। इन इंडिया द हिस्ट्री ऑफ कंपनी एज ए डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिगन विद द इनैक्टमेंट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1913। In India, some companies came into existence by a special act of parliament. For example, Reserve Bank of India 1934, State Bank of India, etc. Such type of companies are called statutory companies and not governed by the Company Act 1956. Presently, from formation to binding up of majority of companies, ऑल एस्पेक्ट आर गवर्न्ड बाई द कंपनीज एक्ट 1956। जो हमारे यहाँ सबसे पहला एक्ट है कंपनी एक्ट 1956 होता है और इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी होते रहे हैं। हेयर वी विल डील विद दोज कंपनीज ओनली विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। मीनिंग ऑफ कंपनी। स्पेशल फीचर्स ऑफ ए कंपनी। If we analyze the definitions of the terms company and look into the statutory provisions under the company's voluntary association, these are the features of the company, कि कंपनी के पास क्या क्या होना चाहिए या कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर वन, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। सेकेंड पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी उनके शेयर की कीमत के बराबर होती है, इसलिए हम उसे लिमिटेड कहते हैं। परपेचुअल सक्सेशन होता है। और नेक्स्ट वन इज कॉमन सील, जो उसकी सील होती है कॉमन होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और शेयर जो है ट्रांसफरेबल होते हैं, दैट मीन्स एक ओनर्स जो है सेल करके दूसरे को ओनर बना सकता है। सेपरेट प्रॉपर्टी, और कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सभी मेंबर से अलग होती है। देन कैपेसिटी टू श्यू एंड बी श्यूड, और उसको जो है उसकी क्षमता होती है कि वो किसी के ऊपर क्लेम कर सकती है या उसके ऊपर कोई भी पर्सन क्लेम कर सकता है। मीनिंग ऑफ कंपनी। थ्री, काइंड्स ऑफ कंपनीज या कंपनी के प्रकार। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। In this case, the liability of members is limited to the amount, if any, unpaid on the shares. तो ऐसी कंपनी को हम limited by shares कहते हैं, जिसमें कि कंपनी की जो जिसमें कि शेयर होल्डर्स की जो liability है उसके shares के amount के बराबर होती है, या जितना amount वो pay करता है कंपनी में उतने amount के बराबर ही उसकी liability मानी जाती है। Next type company, कंपनी इज लिमिटेड बाई गारंटी। इन दिस केस द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट विच दे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द
कंपनी। इस तरह की कंपनी में क्या होता है कि जो कंपनी की लायबिलिटी है वो फिक्स्ड कर दी जाती है कि जब कंपनी बाइंड होती होगी तो इतने अमाउंट तक की आपकी लायबिलिटी होगी। तो ऐसी कंपनी को कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड कंपनी, इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज नॉट लिमिटेड एट ऑल, दे हैव टू कंट्रीब्यूट द नेसेसरी अमाउंट इन ऑर्डर टू पे ऑफ कंपनीज डेट्स एंड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड कंपनी के अंदर क्या होता है कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बिकॉज जितनी आवश्यकता होती है उतना शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स अ कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नंबर वन प्राइवेट शेयर्स और प्राइवेट कंपनी। द कंपनीज एक्ट डिफाइंस अ प्राइवेट कंपनी एज ए कंपनी विच वाई इट्स आर्टिकल restrict the right to transfer its shares if any. Second point limits the number of its members to 50 maximum and prohibits any invitation to the public to subscribe for any shares in or debentures of the company. A private limited company must use the word private limited as the last word to its name. And now public company. A public company means a company which is not a private company. ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, that means इसको जो है ट्रांसफरेबल शेयर्स ट्रांसफरेबल का राइट्स होता है, कोई प्रिविलेजन नहीं होता, पब्लिक को इनविटेशन कर सकती है और किसी भी पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो 51% शेयर्स होल्ड बाई आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, तो वो जो है पब्लिक कंपनी कहलाती है। नाउ डिस्टिंक्शंस बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। जैसा कि आप जानते हैं कंपनी एक्ट 1956 के प्रोविजन कंपनी के ऊपर लागू होते हैं, जबकि पार्टनरशिप के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लागू होते हैं। एंड यहाँ पर जो है मैं आपको बेसिस लेकर के कंपैरिजन बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेशन, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है। तो इन केस ऑफ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी आपकी तभी बनेगी जब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आप जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रार या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके पास होता है फॉर्म बी के अंदर। फॉर्म ए के अंदर जो है आप फॉर्मेलिटीज करते हैं, रजिस्ट्रार के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स के साथ डायरेक्टर्स के कंसेंट और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट कराते हैं और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको जो है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देता है, तभी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, जबकि पार्टनरशिप कंपनी जो है एग्रीमेंट से क्रिएट होती है, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट होता है और उससे जो है पार्टनरशिप फर्म बनती है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी अंडर पार्टनरशिप एक्ट, और पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होता है, लेकिन यदि आप बहुत अच्छा पार्टनरशिप आगे चलाना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करा लेनी चाहिए। इट इज अ सजेशन। सेकंड रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटेड बाय कंपनी एक्ट 1956। कंपनी जो है कंपनी एक्ट 1956 के प्रोविजन से रेगुलेट होती है, जबकि पार्टनरशिप रेगुलेटेड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। लीगल स्टेटस, इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस होता है कंपनी का, जबकि पार्टनरशिप का नो इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस नहीं होता। मेंबरशिप मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 15 केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड मिनिमम 7 एंड नो मैक्सिमम लिमिट इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये मेंबरशिप की कंडीशन होती है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर और ज़्यादा के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। पार्टनरशिप के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम इन बैंकिंग बिजनेस 10 एंड 20
इन अदर बिजनेस, इससे ज़्यादा मैक्सिमम पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ओनर्स लाइबिलिटी, कंपनी के केस में ओनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, कंपनी के केस में शेयर्ड बाय ओनर्स इन द प्रोपोर्शंस ऑफ शेयर हेल्ड, जबकि पार्टनरशिप के केस में शेयर्ड बाय पार्टनर्स एज पर एग्रीमेंट। बिजनेस स्टेबिलिटी, कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन, डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स डू नॉट इफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी, जबकि डिपेंड अपॉन द लाइफ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, अगर ऐसा होता है तो पार्टनरशिप फर्म आपकी या पार्टनरशिप जो है ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इन केस ऑफ द कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म नॉट ट्रांसफरेबल विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। 9 ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, कंपनी के केस में ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, जबकि पार्टनरशिप के केस में वॉलंटरी होता है। अथॉरिटी ऑफ मेंबर्स, शेयर होल्डर्स इज नॉट एन एजेंट ऑफ द कंपनी एंड हैज नो पावर टू बाइंड द कंपनी बाय हिज एक्ट, जबकि पार्टनरशिप के केस में पार्टनर एजेंट ऑफ द फर्म एंड बाइंड द फर्म एंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। देन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द पावर, रिस्ट्रिक्शंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर इफेक्टिव एज अगेंस्ट द पब्लिक एज दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, वेयर एज इन केस ऑफ पार्टनरशिप रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टनर कंटेन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर ऑफ नो अवेल अगेंस्ट द आउटसाइडर। नेक्स्ट पॉइंट बाइंडिंग अप, कंपनी इज बाइंडिंग अप अंडर द एक्ट और 1956, जबकि पार्टनरशिप जो है एट बिल भी बाइंड हो सकती है। इंसॉल्वेंसी, बाइंडिंग अप ऑफ एन इंसॉल्वेंट कंपनी डज नॉट मेक इट्स मेंबर्स, जबकि पार्टनरशिप के केस में इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, फिलिंग ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स, द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी शुड बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच द बिजनेस ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। द एप्लीकेशन शैल बी अकंपनीड बाई द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द चार्टर्ड ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम को जो है कंपनी का चार्टर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। 3rd इज अग्रीमेंट इफ एनी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर्स। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल वेयर इट एक्सीड्स 1 crore और रुपीज अलोंग विद द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू पर मीटिंग द इश्यू ऑफ कैपिटल एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इश्यू ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब फीस by the company concerned, provided he is satisfied that all the conditions laid down under the Companies Act 1956 have been fulfilled. Companies are classified into 2 categories, like I have already explained, like private limited company and public limited company. Minimum and maximum members are 2 and 50 respectively in both the company. Public participation by issuing a prospectus is prohibited. Shares are not freely transferable. Now, allotment of shares. Requisites of a valid allotment. In brief, the following are considered as essential requisites of a valid allotment. The directors of a company are required to specify the minimum subscriptions amount in the prospectus. The entire application money, not being less than 5% of nominal capital, must have been received in cash. In case minimum subscriptions has not been received within 120 days of date of issue of the prospectus, the money received from the public must be repaid without any
interest. Allotment of share second. In cases where prospectus is not issued by a company, a statement in lieu of prospectus has to be filled with the registrar at least 3 days before any allotment is made. Otherwise, allotment of shares shall be irregular. Next point, allotment of shares cannot be initiated until the beginning of the fifth day from the date of issue of prospectus. Next point, with effect from 15th June 1988, every company intending to offer shares or debentures to the public for subscription by way of prospectus should get their shares listed on one or more recognized stock exchanges. Allotment of share 3. Allotment of shares must be made by a resolution of the board of directors. Next point, allotment of shares must be communicated within a reasonable time to the concerned applicant. Next is, allotment must be absolute. It should have been made in accordance with the terms and conditions stated in the application. Now, stationery books. The provisions of statutory books. The provisions of Section 209 of Company Act specifically requires a few books to be kept at its registered office for maintaining a records of different aspects of the company's activities. These are known as statutory books. Some of the important ones are the following. Registrar of investment of the company not held in its own name. Number 2, register of mortgages and charges. Number next, register of members and index. And number next, register of debenture holders and index. Next, statutory books like register of foreign members and debenture holders and their duplicates. Next, minutes book, जिसमें minutes लिखे जाते हैं meetings के. Next is register of contracts, जो भी company contract करती है, एक special register company को बनाना होता है. Then companies and firms in which directors are interested. Then register of directors. Then register of directors' shareholding. Then register of loans, guarantees, etc. to or investment in shares and debentures of companies in the same group. Books of accounts. Section 209, subsection 1 of the Companies Act 1956 requires a company to maintain at its registered office proper books of accounts in respect of the following items. Number 1, all sums of money received and spent by the company and the matters in respect of which the receipt and expenditure take place. All sales and purchases of goods by the companies. Number 2, subsection 2 of section 209 provides that a company which has a branch office, whether in or outside India, is deemed to have complied with the conditions stated above in respect of branch office as well. Book of Accounts 2. Subsection 3 of section 209 provides a very important yardstick. It has been amended by the Companies Amendment Act 1988 with effect from 15th June 1988. Consequent upon the above amendment, it stipulates that proper books of accounts are deemed to have been kept up by a company only if the following conditions are satisfied. Number 1, the profit and loss accounts and balance sheet of the company should give a true and fair view of financial positions of the company. Next is books of accounts and maintained both at the head office and branch offices, as the case may be, must explain their transactions. And now share capital, categories of shares capital. Actually, share capital, shares means a part of the issued capital. From accounting point of view, there are different types of shares capital. These are as follows. Number 1,
ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल, नंबर टू इश्यूड कैपिटल, नंबर थ्री सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नंबर फोर कॉल्ड अप कैपिटल, नंबर फाइव पेड अप कैपिटल, नंबर सिक्स अनकॉल्ड कैपिटल एंड नंबर सेवन रिजर्व कैपिटल. ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल. एंड नाउ शेयर कैपिटल क्लासेज ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड राइट्स. प्रेफरेंस शेयर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? डिविडेंड राइट्स एट फर्स्ट, कि डिविडेंड इनको सबसे पहले मिलता है. और डिविडेंड राइट्स वाले दो तरह के शेयर होते हैं, कॉम्युलेटिव एंड नॉन कॉम्युलेटिव. रिकवरी ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग रिडीमेबल एंड अनरिडीमेबल दो तरह के शेयर होते हैं. कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स के अकॉर्डिंग कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट्स को दो भागों में क्लासीफाई किया जा सकता है, वन इज पार्टिसिपेटिंग एंड अनदर इज नॉन पार्टिसिपेटिंग. एंड नाउ क्लासेज ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर. अभी हमने आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया, एंड नाउ इक्विटी शेयर. दे आर एंटाइटल टू डिविडेंड आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. दैट मीन्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो प्रॉफिट का पार्ट्स होता है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद ही मिलता है. द रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव्ड बाई द शेयर होल्डर्स द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हेल्ड बाई द कंपनी एज पर सेक्शन 156. Yes. Then shares normally enjoy rights over surplus profits which are counted by a company in the form of reserves and surplus. On the basis of classes of shares, company has two types of capital, preference share capital and equity share capital. Both of these are explained earlier, and now do it yourself. Question number one, state below four kinds of books which are considered as statutory books by the company. Question number two, what do you understand by the redeemable preference shares? Explain clearly. That is question number two, and that's it from session number 11. Thank you.